नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सिऊड बेलापूर व नेरूळ विभागातील गरीब व गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात आरोग्य उपचार मिळावेत याकरिता 24 वर्षापासून सेक्टर 48 येथे सिडकोने हॉस्पिटल उभारण्यासाठी सवलतीच्या दरात सुश्रुषा ट्रस्टला दिलेल्या भूखंडावर उभारण्यात आलेली इमारत पडीक असून ही इमारत भूखंडासह विनाविलंब आणि विनाअर्थ नवी मुंबई महापालिकेला सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल सुरू करण्यासाठी हस्तांतरित करावी अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक विशाल डोळस यांनी केली आहे. तसे न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही विशाल डोळस यांनी सिडकोला दिला आहे. आज जो पत्रकारों के साथ में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था उसमें प्रमुख विषय जो था जो सावड़ा सुश्रुषा ट्रस्ट जिसको सावड़ा हॉस्पिटल कहते हैं उससे लेकर था. 1999 में सिडको ने सावड़ा ट्रस्ट को सेक्टर 48A में एक बड़ा भूखंड जो है हॉस्पिटल के लिए दिया था. जब सिडको की सेक्टर 48, 46 में वहाँ पर रहने वाले सिडको के सेक्टर डेवलप हुए वहाँ के लोगों के लिए वो सुविधाएं हॉस्पिटल की सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराने के लिए वो हॉस्पिटल का वहाँ पर टेंडर निकाला गया और वो टेंडर सुश्रुषा हॉस्पिटल को दिया गया. आज 24 ईयर्स हो गए हैं वो हॉस्पिटल अभी तक बना नहीं. ऐसी संस्थाओं को हॉस्पिटल चलाने को दिया गया है जो बिल्कुल भी केपेबल नहीं है. इस रिगार्ड में 2020 में भी हमने वो भूखंड वापस लेके NMMC को हैंडओवर करने के लिए सिडको को निवेदन दिया था जिसके एवज में सिडको ने वो ट्रस्ट को शो कॉज नोटिस इशू किया था कि आप 7 महीने के अंदर आपका काम पूरा करो नहीं तो हम आपका भूखंड वापस लेंगे. तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज 24 ईयर्स हो गए हैं ये संस्था अगर वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बना पा रही है तो उनका भूखंड वापस क्यों नहीं लिया गया, क्यों NMMC को नहीं दिया गया. बार बार यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो है जिनको चुन के दिया है वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप ये हॉस्पिटल जो NMMC को दो तो हम लोग वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करेंगे, लेकिन सिडको जो है असंवेदनशील तरीके से यहाँ पर काम कर रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ टुडे.